हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, बड़ी खबर निकल कर आ रही है केंद्रीय कर्मचारी प्रमोशन को लेकर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। नई दिल्ली, सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ा कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को अब तक मिल पाया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाए कि नवंबर के अंत तक सैलरी बढ़ोतरी का फैसला लिया जाएगा, लेकिन अब ये इंतज़ार जारी है। वहीं खबर आने लगी कि दिसंबर के अंत तक मोदी सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। अभी तक सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी को मंजूरी नहीं दी है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, कर्मचारियों की सैलरी की उम्मीद, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद है कि सरकार न्यूनतम वेतन में इजाफा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर अंत तक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है। इससे पहले उम्मीद की जा रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा नवंबर में ही देगी, लेकिन कैबिनेट की बैठक होने के बाद न्यूनतम वेतन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया, जिसके बाद से कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार दिसंबर के अंत तक या नए साल के न्यूनतम वेतन पर बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि आर्थिक सुस्ती ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी है। केंद्र सरकार चाहकर भी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करती है तो इससे अतिरिक्त आर्थिक स्थिति पर बोझ पड़ेगा। इंक्रीमेंट और प्रमोशन को लेकर भी बड़ा ऐलान। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन इंक्रीमेंट को लेकर सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल 10/2000 को लेकर सफाई जारी की है। इस नियम के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी या जुलाई को उनके अपॉइंटमेंट की तारीख के आधार पर इंक्रीमेंट मिलेगा। इस नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमोशन और वित्तीय प्रिपरेशन की सुविधा मिलती है। सरकार ने इंक्रीमेंट को लेकर दी बड़ी सफाई। सरकार की ओर से कहा गया कि 1 जुलाई के बीच किए गए इंक्रीमेंट को लेकर 1 जनवरी को ही ग्रांट किया जाएगा। वहीं जिन केंद्रीय कर्मचारियों को 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच सैलरी बढ़ोतरी मिलनी है, अब 1 जुलाई को ग्रांट दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी 1 जनवरी या 1 जुलाई को प्रमोशन मिला है तो उसे अगले 1 जुलाई या 1 जनवरी को अगला लाभ मिलेगा। इंक्रीमेंट का लाभ 1 साल पूर्ण होने के बाद ही मिलेगा। छठे वेतन आयोग तक कर्मचारियों का सालाना इंक्रीमेंट 1 जुलाई को होता है। जो कर्मचारी रिवार्ड्स पे स्ट्रक्चर के तहत 6 महीने तक पूरा कर लेते हैं, उन्हें 1 जुलाई तक इंक्रीमेंट ग्रांट दिया जाता था, लेकिन सातवें वेतन आयोग में इनके लिए 2 तारीखों तय की गई है। 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट की तारीख रखी गई है। तो दोस्तों, इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तो चैनल को करें सब्सक्राइब, रेड वाला बटन दबाकर, और वीडियो को करें लाइक। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।